महिला कांग्रेस ने किया प्रधानमंत्री मोदी का पुतला दहन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर ईडी की कार्रवाई को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। आज रीवा में भी इसका असर देखने को मिला। आपको बता दें कि आज महिला कांग्रेस ने शिल्पी प्लाजा के समीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ऊपर की जा रही ईडी की कार्रवाई को भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताया है। महिला कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने कहा कि ईडी केंद्र सरकार के पिंजरे का तोता बन चुकी है। देश के अंदर जो भी केंद्र सरकार की नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाता है उसके ऊपर ईडी की गाज गिराई जाती है। पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, फिर इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी के ऊपर शुरू हुई कार्रवाई के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। प्रस्तुत है कांग्रेस नेत्री कविता पांडे से प्राप्त जानकारी के अंश। कि केंद्र सरकार द्वारा ईडी को तोते का पिंजरा बना लिया गया है। हमारी नेता सोनिया गांधी जी जो कई वर्षों से लगातार बीमार हैं और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, उनको परेशान करने के लिए रोज ईडी के नोटिस भिजवाए जा रहे हैं और उनको कोशिश की जा रही है कि किसी प्रकार की झंझट में फंसा दिया जाए। आज पूरे देश में कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं। रीवा की महिला कांग्रेस की सीमा सिंह और तारा त्रिपाठी के नेतृत्व में हम सब महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर हैं और मोदी जी और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस तरीके के जो वेदांती आपके द्वारा की जा रही है ये निंदनीय है, घृणित है। और कल हमारे नेता राहुल गांधी और बी बी श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत सेवा की थी, लगातार वो ऑक्सीजन के सिलेंडर रेमडेसिविर उपलब्ध करा दे, उनके बाल पकड़ पकड़ के पुलिस द्वारा खींचे गए और कांग्रेस के एक ही कार्यकर्ता को लाठी से पीटा गया। अंग्रेज इसी तरह का अत्याचार अनाचार कर रहे थे और अंग्रेजों को भगा दिया था, तो वो गोरे अंग्रेज भाग गए, ये काले अंग्रेज ज़रूर भागेंगे। पूरे देश का कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर है और हम मीडिया का विरोध करते हैं, मोदी का विरोध करते हैं और मोदी सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि लोकतंत्र पर अपना विश्वास कायम रखिए। सरकारें आती और जाती रहती हैं। कांग्रेस पार्टी